हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। पंजाब न्यूज़ टीवी देख रहे सारे श्रोतियां नूं जी आयां नूं जी। पंजाब सरकार ने कोरोना का वाधा देख हुण लिया है वड्डा फैसला। ताज़ा वड्डी खबर, खबर नूं शुरू करन तों पहलां जिन्हां ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया वो सबसक्राइब कर लैन ते वीडियो नूं वध तों वध लाइक एंड शेयर भी कर देना। ते नाल ही जिन्हां ने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन च दिता है, तुसीं उत्थे जाके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हाँ। पंजाब सरकार वालों कोरोना मरीजों की सहायता लिए बहुत सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। पंजाब विच पिछले कुछ महीनों तो लगातार कोरोना केसों में वाधा दर्ज किया जा रहा है। वध रहे कोरोना को देखते हुए सूबा सरकार वालों उच्च अधिकारियों ने मीटिंग करके कई अहम फैसले लिए गए हैं। पंजाब सरकार ने कोरोना के वाधे को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया जिस बारे ताज़ा जानकारी सामने आई है। पंजाब विच जिथे कोरोना केसों की गिनती तेजी नाल वध रहा है उत्थे ही हस्पतालों के बैड की घाट भी महसूस हो रही है। कई हस्पतालों के ऑक्सीजन की कमी होने दी खबरां भी लगातार सामने आ रही हैं। इसलिए सूबा सरकार वालों ऑक्सीजन की कमी को हल करते हुए अहम फैसले लिए गए हैं ता जो मरीजों की जरूरत के अनुसार वह सप्लाई की जा सके। सरकार वालों हुण अगले हुक्मां तक मैडिकल कॉलेजों और हस्पतालों में ओपीडी सेवावां नूं मुलतव कर दिता जाएगा। सेहत संस्थावां दे विच कोरोना मरीजों की सहूलत लई सारे बैड राखवें रखे गए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि लोगों लई सहूलत विच कोई कमी नहीं आन दित्ती जाएगी। कैबिनेट की मीटिंग विच बठिंडा विच 75 बैड राखवें रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस तरह ही होर हस्पतालों में 900 बैड नूं वधाउण दा ऐलान कर दिता है। ऑक्सीजन की सप्लाई के प्लांट लगाउण विच भी तेजी की जा रही है। ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੱਕਣ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਬਰ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।